को कर्मचारी को ना केवल लूटने का काम किया बल्कि तीनों को बर्बाद करने का काम भी किया। व्यापारी को तो जीएसटी और नोटबंदी की वजह से बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ी, उसके बाद जो ये ई टेंडरिंग शुरू करी इससे भी व्यापारी के सामने बड़ी कठिनाई आई। मैंने पहली दफा अपनी जिंदगी में देखा है कि किसान भी मजदूर भी व्यापारी तीनों के तीनों एक दरी बिछा करके पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, नाराजगी जताई और सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि जो पॉलिसी तुम लेकर के आए वो इसकी वजह से तीनों वर्ग के लोग परेशान है, इसलिए तुम अपनी पॉलिसी भी वापिस लो। और सरकार अगर चुनाव ना होता तो 100% व्यापारी की और ज़्यादा कमर तोड़ने का काम करती, इसलिए मजबूर होकर के चुनाव को ध्यान में रखकर के उन्होंने अपना फैसला बदला। आज कर्मचारी जो है वो भी लगातार 4.5 साल से इनके खिलाफ सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, जो वायदे इन्होंने किए उनको पूरा करवाने के लिए लगातार सड़कों पर रहा। आज व्यापारी भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान और किसान भी परेशान है। आज लोगों का विश्वास जहाँ पहले कांग्रेस से उठा था वहीं आज बीजेपी से भी लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब तो लोगों का विश्वास अगर किसी पे है तो चौधरी देवीलाल की नीतियों पे है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है, आपके यहाँ पे। जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से भारी बहुमत से जीत करके जाएगा, लोगों का बड़ा आशीर्वाद उसको मिलेगा। मजबूत विपक्ष होना जी बहुत जरूरी है, लेकिन इतने 5 साल लगातार धरने प्रदर्शन रहे बहुत इस सरकार में, मतलब विपक्ष ने कभी ना कर्मचारियों के लिए कोई ज़्यादा आवाज़ उठाई, SYL के लिए तो आपने उठाई लेकिन कर्मचारियों की बात आवाज़ नहीं उठाई। पहले तो किसी कर्मचारी नेता से ये पूछवाओ कि हमने आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई, आप कौन होते हो ये बात कहने वाले भी हमने कर्मचारियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। क्या आपको किसी ने सिखा करके भेजा है कि आपने जा करके ये बात भी कहनी? अगर किसी ने कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए, अगर किसान के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। आप किसी कर्मचारी नेता से ये बात कहवाओ कि हमारी आवाज़ विपक्ष ने कहीं विधानसभा में नहीं उठाई, फिर तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊँ। जब बीजेपी की सरकार बनी थी हरियाणा में, गायें गीता और गायत्री लेके चले थे, उसके बाद फिर ये चाय वाले बनते हैं, फिर चौकीदार बनते हैं और अब सेना के नाम पर भी ये वोट मांगना, इसको आप कितना देश के लिए खतरनाक मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी वायदे पहले 5 वर्ष के थे वो तो सारे के सारे डस्टबिन में डाल दिए और अब नया नारा लेकर के आए कि देश के राष्ट्र को खतरा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए, हमारे यहाँ 3 युद्ध हुए और 3 में से 2 ऐसे युद्ध थे जो बिल्कुल हमारे साथ की सीमाओं के थे, उन दोनों में हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए। 71 की लड़ाई में भारतवर्ष की फौज ने, नौजवानों ने, जहाँ पाकिस्तान के 1 के 2 पाकिस्तान बना दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान कर दिए, वहीं कारगिल की लड़ाई में भी ये साबित कर दिया था कि अगर हिंदुस्तान की तरफ कोई नज़र भी उठा करके देखे तो ना केवल हम उसको सबक सिखाएंगे बल्कि उसको इस बात पे मजबूर कर लेंगे कि उसको हमारे सामने घुटने टेकने और घुटने टिकवाए। अब भी जो पिछले दिनों में छोटी मोटी शरारत पाकिस्तान की तरफ से की गई उसका जवाब भी हमारे सैनिकों ने बहुत मजबूती के साथ दिया। बीजेपी अगर इस बात को लेकर के लोगों के बीच में जाती है कि आज राष्ट्र को खतरा है और मोदी जी ने कोई एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जो है सबक सिखा दिया, तो क्या उस हवाई जहाज के अंदर RSS के पायलट थे? क्या कोई उस बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक लड़ रहे हैं वो RSS के हैं, बीजेपी के हैं? वो हमारी देश की धरोहर है, हमारे राष्ट्र, हमारे वो जवान हैं जिनको 2 जगह की चिंता हर वक्त सताती है। एक तो देश की सीमाओं की चिंता का जो बच्चा होगा वो आर्थिक रूप से जो घर कमजोर होगा उसका घर का मेंबर जो है फौज में जाएगा, और जो फौज में जाएगा तो उसके घर में कोई अगर 2 बहन है, 3 बहन है तो उसको उसकी शादी की,
उसकी पढ़ाई की, घर को चलाने की, वो चिंता भी उसको साथ साथ सताती रहती है। लेकिन बावजूद इतनी बड़ी चिंता घर की होने के बाद भी उसको देश की चिंता ज़्यादा बड़ी होती है, इसीलिए हर रोज जहाँ कहीं भी दूसरे जो हमारे साथ रहती सीमाओं के लोग हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो छोटी मोटी शरारत करते हैं, उनको सबक कोई लोग सिखाते हैं, और सबक भी नहीं सिखाते बल्कि शहादत भी देने का काम करते हैं। शहीद का सम्मान करना चाहिए, सैनिक का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है, ना कि सैनिक के नाम पे हमें राजनीति करनी चाहिए। अभय जी, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि जींद में हुड्डा ने सुरजेवाला का कांटा निकाल दिया और अब सुरजेवाला का कांटा निकाल, जनता कांटा काटेगी इन दोनों का, खट्टर साहब का भी काट देगी, कांग्रेस का भी काट देगी। सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगा, उनका ये कहना ये कोई शादी से ये बातें नहीं है। थैंक यू।